आज नीमच विधानसभा दौरे पर है भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता जी, जो कि ग्राम बागपुपलिया पहुंचे हैं और कांग्रेस पर उन्होंने करारे हमले बोले। और आज ही भाजपा ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया है भाई साहब, संकल्प पत्र में कई बातें लिखी हैं, कितना कारगर साबित होगा संकल्प पत्र? देखिए मैं एक बात बताऊं कि 3 करोड़ मकान देने का एक नया प्रॉमिस नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प पत्र के माध्यम से किया, जनता के बीच में बहुत खुशियाँ हैं। हम जानते हैं कि आज विकसित होता हुआ हमारा संसदीय क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अभूतपूर्व हुआ है, शहरी क्षेत्रों को नए पंख लगे हैं, बच्चों के अरमान आगे बढ़े हैं और इसीलिए हम एक विकसित संसदीय क्षेत्र के इरादे से जो आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे थे, संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से जारी किया, हमारे लिए वो ताकत बना है। जी जी भाई साहब, आज आपने बहुत बड़ी बात की, चूँकि बागपिपलिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, मुस्लिमों के बीच जाने किस तरह का आपको उनका प्यार और स्नेह मिल रहा है? नहीं, वो तो वोट देना चाहते हैं, उनका वोट देने का इरादा है, पर कांग्रेस एक भय का वातावरण खड़ा करना चाहती है, एक अज्ञात भय जिसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कांग्रेस के मन में विचार है कि अगर ये मुस्लिम भाई बीजेपी को वोट दे देंगे तो उनका तो कोई बचा नहीं, वो उसी भरोसे पर राजनीति करते हैं और हम धर्म पर राजनीति करते नहीं हैं साहब। हमने कभी नहीं कहा, अरे हमें जब पहली बार जीवन में मौका मिला तो APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्य संदेश दिया है, हमारे और उनके बीच में कोई दूरियां नहीं है। हम जानते हैं पसमानदा मुस्लिम भाई बड़ी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट है, हमारा झगड़ा अगर मुगलों से रहा तो मुगल अब भारत में रहते नहीं है। अच्छा भाई साहब, नीमच विधानसभा के आप दौरे पर हैं, आप पर आरोप लगते हैं नीमच के भेदभाव के, क्या इस तरह की जो छवि या ऐसे मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं? वो जो भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं ना, एक दो सज्जन, उनको भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो अब वो उनकी झेप मिटा रहे हैं, क्योंकि उनसे कुछ हुआ नहीं, अगर उनसे हुआ तो सार्वजनिक करे, और उनका भारत में रहने का कोई इरादा और इंटरेस्ट भी नहीं है, उनके तो उन्होंने शिफ्टिंग चालू कर दिया है। तो भैया आप नीमच के विकास के लिए आपने बड़े गंभीरता से काम किए थे तो जरा लिस्ट विस्ट जारी कर दो। मैंने खोजबीन किया तो रेलवे स्टेशन नीमच का 1860 में बना था, अंग्रेज बना गए थे, उसके बाद कांग्रेस ने कोई ईंट वीट लगाया नहीं। अभी रेलवे स्टेशन कैसा जरा नीमच के लोग जाकर देखे हैं, नीमच का रेलवे स्टेशन जंक्शन के रूप में, इसको विकास नहीं कहते तो क्या कहते हैं? आपकी हवेली पर कलर पुता दें तो विकास लगेगा क्या आपको? आप विकास नीमच के लोगों की नज़रों से देखो, CRPF में 100 करोड़ रुपया लगा है, क्या नीमच में CRPF में कभी कांग्रेस ने पैसा लगाया? आज सेंट्रल स्कूल 2 हैं, देश में कितने शहरों में 2 सेंट्रल स्कूल होते हैं, क्या नीमच के विकास में ये कोई कमी है? मेडिकल कॉलेज लाकर खड़ा कर दिया, नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति न माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नीमच के लिए दे दी, क्या ये कम खुशी की बात है? पता नहीं उनको क्या लगकर दरवाजे कोई पोत कर चला जाए, क्योंकि अरे आप अफीम पॉलिसी पर देखो, आज नीमच का अल्कोलाइट फैक्ट्री तो ये कांग्रेसी बंद कराने के इरादे से अखबारों में छपवा रहे थे ना, लेकिन अफीम फैक्ट्री आज दम से चल रही है, दम से क्या चल रही है, एक प्लांट और आ गया और उसमें पॉपी हस्क की प्रोसेसिंग का नया तरीका निकल गया। आज आपके संसदीय क्षेत्र में 1,15,000 आपके क्षेत्र में पट्टे हैं और बड़ी तेज़ी से इस बार लाइसेंस में और वृद्धि होनी है, पॉपी सीड्स का उत्पादन ही मध्य प्रदेश राजस्थान में मिलाकर 2 लाख क्विंटल से ज़्यादा हो जाना है, आप अपने रेवेन्यू को अंदाज लगाइए, एक काम तो गिना है कांग्रेसी। सुधीर गुप्ता जी के लिए नरेंद्र मोदी जी का आने का प्रोग्राम जम रहा है? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, वो हम तो आग्रह करेंगे ही, हमें अच्छा ही लगेगा कि वो आएंगे और इसीलिए उनका आशीर्वाद स्नेह हमारे साथ है। उनके अपने राष्ट्रीय स्तर से जो दौरे तय होते हैं उसमें जब जहां वो स्थान चयन करते हैं वो हम तो स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़े रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर। तो आप थे नीमच मंदसौर के सांसद और भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता, जो कि यहाँ बागपिपलिया में इन्होंने एक सभा को संबोधित किया और अभी करीब शाम के 7 बजे वे लगातार दौरे कर रहे हैं नीमच विधानसभा में, उनका यह 2रा दौरा है। नीमच टुडे के लिए हिमांशु यादव के साथ राकेश सोमवार।